अब कोई भी पान की दुकान पर खड़े होकर प्रॉपर्टी ब्रोकिंग या डीलिंग का धंधा नहीं कर सकता। अनरजिस्टर्ड ब्रोकरों के लिए यह खबर बुरी हो सकती है। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के कानून रेरा के अनुसार ब्रोकर्स को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे पहले प्रॉपर्टी ब्रोकरों की भूमिका प्रॉपर्टी के खरीदार और बेचने वाले के बीच मीटिंग की व्यवस्था करने और सौदे को अंतिम रूप देकर अपनी सेवा के बदले कमीशन लेने तक रहती थी, पर अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करना होगा। मोदी सरकार के प्रयास से सस्ता घर मिलना आसान हो जाएगा। मोदी सरकार के प्रयासों से रियल स्टेट डेवलपर्स ने शहरों में सस्ते घर बनाना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक साल 2017 के जनवरी से मार्च के पहले क्वार्टर में डेवलपर्स ने 25 लाख रुपए तक की रेंज में 7,606 फ्लैट्स लॉन्च किए हैं। रियल स्टेट सेक्टर की डाटा एवं रिसर्च एजेंसी लियासिस फोरस की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में नई लॉन्चिंग के साथ भी बढ़ी है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस Q4 की शुद्धता 45%। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के मुनाफे में 47% की बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके आवास वित्त पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से वृद्धि हुई है कि सरकार के नोटबंदी के कदम के बाद से मंदी की मार झेल रहे रियल स्टेट सेक्टर के सेल्स में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। चौथे क्वार्टर में सेल और नए प्रोजेक्ट के लॉन्च दोनों अच्छे स्तर पर रहे, जिसे इस मार्केटिंग की नोटबंदी से पहले के स्तर पर लौटने की उम्मीद बनी है। DDA की नई आवास योजना उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार। दिल्ली विकास प्राधिकरण की DDA 12,000 फ्लैटों वाली नई आवास योजना जल्दी आने वाली है। DDA ने इसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और उपराज्यपाल के पास इसकी मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को भेज दिया है।